हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो बने रहिए, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं अपने दोस्त के गृह प्रवेश के फंक्शन को अटेंड करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का घर मेरे घर से लगभग 200 मीटर ही दूर है, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ा घर से। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, मेरा स्वागत एक कप चाय के साथ किया गया। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। जैसे हिंदू धर्म में घर को प्रवेश करने से पहले पूजा किया जाता है, वैसे ही हमारे मुस्लिम धर्म में भी घर के प्रवेश पे कुरान की तिलावत किया जाता है। टोटल कुरान होती है 30 पारा का। ये तो अकेला 30 पारा पढ़ नहीं सका, इसीलिए हर एक पारा को 30 भागों में सेपरेट करके पढ़ा जाता है। सब एक एक किताब ही लेके पढ़ते हैं। उसके बाद हमने किया लंच की प्रिपेरेशन। इसी लोगों के खाने के लिए इंतजाम करना था हमको। हम पहुंच गए किराना शॉप पे किराना का सामान खरीदने। जाने से आते ही अदरक लहसुन को मोहल्ले वालों को सौंप दिया, ताकि वो लोग अच्छे से उसको पील के वॉश करके उसका पेस्ट बना सके। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ। फिर हमने किया लंच की प्रिपेरेशन। पहले हम शुरुआत किया दाल से। दाल को माखन और टमाटर के साथ हमने उबालने के लिए छोड़ दिया। और हमारे साथ थे बेंगलोर के जाने माने बगरची, ये उनसे थोड़ा बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? भाई साहब, बेंगलोर में कहाँ रहते थे आप? ऐसे मुंह उठा के चले? पानी गर्म हो गया था और चावल धीरे धीरे करके हमने डाल दिया पानी के अंदर। जब तक सारा पानी को चावल सोख न ले, तक हम चावल को पकाएंगे। देखिए, सारा पानी सूख गया है। हम इस पे ढक्कन लगा के 30 मिनट तक इस पे दम लगाने वाले हैं। खाना तो रेडी हो गया है। अब है चिकन पकाने की बारी। चिकन भी डाल रहे हैं, चिकन को भी पका लेंगे। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट, चावल, चिकन, दाल, सलाद। कुकिंग फिनिश करने के बाद मैं अपने घर के तरफ निकल गया। थोड़ा फ्रेश होकर फिर मैं अपने दोस्त के घर पर चला आया। जाते ही बच्चे पहले खाने के लिए बैठ गए थे। मेरा और एक दोस्त से आके वहाँ स्कूटी पे बैठा था। मैं उसको बुलाया तो वो मेरे पास आया। शायद शर्मा रहा था। और ये मन मुंडा से खाने आया है। हम भूखा है, उसीलिए खाने आया है। रतिक सार और उनके स्कूल के अदर स्टाफ भी आ गए थे। उनके लिए तो नेक्स्ट लेवल की खातिरदारी की अरेंजमेंट किया गया था। रसमलाई और कोल्ड ड्रिंक्स का भी इंतजाम था। चल, में जिस जगह पे आप वर्क करते हैं ना, उस जगह के स्टाफ की खातिरदारी के लिए इतना तो करना पड़ता है। ने,
अजीब जानवर है, कितना भी खाए थूका ही रहता है। और लास्ट में अली भाई ने कॉफी के लिए कहा, अगली बार जो आया था सिग्नल की लाइट का काम चल रहा था, आज वो बराबर काम कर रहा था। फिर हम फाइनली कॉफी पी लिए। आज का ब्लॉग्स बस यहीं तक था। तो कीप वॉचिंग गाइस, लव यू एंड टेक केयर।